चार्जर, ये किस रेट का चार्जर है भैया? ये बैटरी चार्जर है 750 रुपये, ये ओनली 750 रुपये का मिल जाएगा, कॉपर की पूरी पूरी गारंटी होगी। किसी की डिमांड रहती है कि बनवाना है मुझे कोई, अपने सामने बनाना है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जैसा भी कुछ है वो भी बना, भैया बना के दे देंगे भैया एल्युमिनियम में, क्योंकि भैया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, ये आपको रिले, अगर किसी को सिंगल पीस रिले भी चाहिए वो भी मिल सकती है। कितने की होती है ये? 190 रुपए की है। ये ओनली 190 रुपए की होती है, सिंगल पीस भी मिल जाएगा, पल्टी है। ये किसी भी इन्वर्टर में लग सकती है, किसी में भी लगा सकते हो। 750 रुपए की प्लेट ले सकते हो, 450 की भी ले सकते हो, इन्वर्टर तैयार कर सकते हो अपने हाथ से भी। ठीक है, तो भैया सारा सामान खुला भी दे देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारे भाई होलसेल रेट में स्टेबलाइजर मिल जाते हैं, भैया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, स्टेबलाइजर की, तो यहाँ पर स्टेबलाइजर मिल जाएंगे, जैसे गांव वगैरह में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज कम आते हैं लाइट के, तो भैया के यहाँ से स्टेबलाइजर ले जाओ और वोल्टेज बढ़ जाएंगे। और स्टेबलाइजर की शॉप भी शुरू करना चाहते हो, भैया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो भैया दे देंगे। स्टेबलाइजर हैं, चार्जर हैं, ठीक है, सारे कुछ मिल जाएगा इनके पास, इन्वर्टर भी मिल जाएंगे। तो भैया से बात करते हैं किस किस रेट के हैं, आइए चलते हैं बात करते हैं। गाइज, ये हैं हमारे अनुराग भैया, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, स्टेबलाइजर मिल जाएंगे, चार्जर मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सारी चीज़, तो किस किस रेट के स्टेबलाइजर मिल जाते हैं अपने यहाँ? सभी तरह के मिल जाएंगे, सभी तरह के मिल जाएंगे, मतलब आधा किलो वाट से स्टार्ट है। अच्छा, 0.25 से स्टार्ट है, सिंगल फेज, डबल फेज, थ्री फेज सब मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बात करें, ये रखा है जो सामने, ये कितने रुपये का है, ये कितने वाट का है? ये मेन लाइन स्टेबलाइजर है। ठीक है, जैसे डीजे पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये 5 kV स्टेबलाइजर, 5 kV का है, 5 kW का, 5। ये कितने का पड़ जाएगा? ये पड़ता है आपको 3500 रुपये, ये ओनली 3500 रुपये का मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो भैया इसमें ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा, जैसे किसी को बगैर रोटरी वाला चाहिए, वो किस रेट का पड़ेगा? वो 200 रुपये ज़्यादा पड़ जाता है, तो वो 3700 का पड़ जाएगा, 3700 रुपये का पड़ जाएगा, वो ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। किसी को जैसे रोटरी वाला नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, वो भी मिल जाएगा भैया के यहाँ। तो इसके बराबर वाला ये कौन सा है? ये भी सेम है, ये भी सेम है। अच्छा, ये तीनों जो रखे हैं ये सेम है, सब सेम है, सारे 5 kW हैं, सारे 5 kW हैं, सारे 3500 रुपये की रेंज में। ठीक है, और इस भैया के यहाँ ऊपर आ जाएगा चार्जर, बैटरी चार्जर, ये किस रेट का चार्जर है भैया? ये बैटरी चार्जर है 750, ये ओनली 750 रुपए का मिल जाएगा, कॉपर की पूरी गारंटी होगी। हाँ, कॉपर की पूरी गारंटी होगी भैया के यहाँ, और एल्युमिनियम में भी मिल जाएगा। एल्युमिनियम में किस रेट का होगा? 550। एल्युमिनियम में 550 का होगा, और कॉपर में होगा 750 रुपए का। तो भैया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल रेट में सारा सामान मिल जाएगा भैया के यहाँ। ठीक है, और ये क्या है भैया? ये डीसी कन्वर्टर होता है, डीसी कन्वर्टर है, बैटरी से। अच्छा अच्छा, एसी करंट लेना है, ठीक है, और बल्ब जलाना है, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। ये किस रेट का होगा? 150 वाट का है, 190 रुपए का, ये ओनली 190 रुपए का मिल जाएगा, 150 वाट का है, ये इन्वर्टर का काम करेगा, 150 वाट तक का लोड ले सकते हो इससे। ठीक है, और भैया के यहाँ इधर आ जाएंगे ये वाले स्टेबलाइजर भी हैं, ये किस किस वाट के हैं? ये 7.5 kW, 10 kW। अच्छा, ये 7.5 kW, 10 kW, 7.5 kW का कितने का है? 7.5 kW का ये पड़ेगा आपको कॉपर में 7500 रुपए का, 7500 रुपए का, ये 7.5 kW का, ये ऑटोमेटिक में आ जाता है, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों। अच्छा, इसमें ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों आते हैं, उसमें कितना रेट का डिफरेंस है, जैसे मैनुअल में ऑटोमेटिक? मैनुअल और ऑटोमेटिक में कॉपर में आ जाएगा लगभग 400 रुपए का, 400 रुपए का फर्क, मतलब मैनुअल वाला 400 रुपए सस्ता है और वो वाला महंगा है, ऑटोमेटिक वाला। ठीक है, और ये नीचे भी 750 है, 10 kW का कितने का जो नीचे रखा है? ये 10 kW का आ जाएगा आपका 10,500, 10,500 रुपए का। ये कॉपर है, एल्युमिनियम, प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर में है, 10,500 का मिल जाएगा आपको। ठीक है, एल्युमिनियम में किसी की डिमांड रहती है कि बनवाना है मुझे कोई, अपने सामने बनाना है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जैसा भी कुछ है वो भी बना, भैया बना के दे देंगे भैया एल्युमिनियम में, क्योंकि भैया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, गोदाम अंदर है, वहाँ आज खुला नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं जा सकते, उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो भी दिखाएंगे आपको। और भैया एल्युमिनियम में भी बना देंगे और कॉपर में भी बना देंगे, तो इसका एल्युमिनियम का कितने का पड़ जाएगा? 10 kW, 10 kW का एल्युमिनियम का लगभग 7500, 7500 रुपये का पड़ जाएगा, है मतलब 2500 रुपये का लगभग अंतर आ जाएगा। हाँ, कॉपर का डिफरेंस है। ठीक है, ये आ जाता है एसी का स्टेबलाइजर जो सामने रखा है, ये किस रेट का है? ब्लू लाइन है, 1350 रुपए से शुरू हो जाता है। ये कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, ये एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम कॉपर आते ही नहीं है, ये एल्युमिनियम आते हैं, जो सच्चाई है वो ही दिखाई जाएगी वीडियो में। ठीक है भैया, जो बोल रहे हैं अपनी जुबान से बिल्कुल सच बोल रहे हैं,
ये एल्युमिनियम में ही आता है और आपको भी पता होगा कंपनी जो बना के देती है ब्लू गार्ड में, हाँ, कंपनी में गार्ड का भी लोगे तब वो भी एल्युमिनियम होगा, वो भी एल्युमिनियम होगा भैया। और भैया से अगर बनवाना चाहते हो आप एसी का कॉपर में बन जाएगा, वो कितने का पड़ेगा? वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, वो लगभग 2000 रुपए के 2000 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, कॉस्टली हो जाता है, हाँ वो नहीं लेते हैं भैया। और ये भी बढ़िया चलता है एल्युमिनियम, इसकी भी गारंटी होती है, कितनी होती है इसकी गारंटी? 3 साल, 3 साल गारंटी होती है, 1350 रुपए का। और बी गार्ड का ये पड़ेगा आपको 1550 रुपए, 1550 का बी गार्ड का पड़ जाएगा, ठीक है। और स्टेबलाइजर में जो भैया रिले वगैरह लगाते हैं वो ये होती है, खुद की होती है, ANU है, ये भी है, ये ले सकते हो, ये रिले है भैया। ये कितने एम्पियर की रिले है? ये 25 एम्पियर की, ये 25 एम्पियर की रिले है, सब स्टेबलाइजर में ये लगती है। अच्छा, इससे ऊपर भी लगती है? जिस तरह से जैसे डिमांड रहती है ग्राहक की। अच्छा अच्छा, वो भी लगती है, ठीक है। तो भैया ये रिले होती हैं, इससे स्टेबलाइजर तैयार करे जाते हैं। एक स्टेबलाइजर में जैसे 5 किलोवाट में 3 लगती हैं 4 लगती हैं? ग्राहक की डिमांड होती है, 4 भी लगवाते हैं 3 भी लगवाते हैं, 3 में भी चल जाता है 4 में भी चल जाता है। तो भैया ये मिल जाएंगी आपको रिले, अगर किसी को सिंगल पीस रिले भी चाहिए वो भी मिल सकती है। कितने की होती है ये? 190 रुपए की है, ये ओनली 190 रुपए की होती है, सिंगल पीस भी मिल जाएगा, 25 एम्पियर की रिले है ये, ये भी ले सकते हो आप। और भैया के यहाँ जो मीटर होते हैं ये भी मिल जाएंगे? मीटर किस रेट के मिलेंगे? मीटर हर तरह की रेंज होती है इसमें, कई तरह की रेंज होती है, जैसा ग्राहक की डिमांड होती है। अच्छा, जैसा ग्राहक की डिमांड होती है वैसा मिल जाएगा। जैसे ये 300 एम्पियर है वोल्ट का, 300 वोल्ट मीटर है ये, तो आपको अगर ये चाहे तो सस्ते से सस्ता 35 रुपए का। अच्छा, फिर उसके बाद आता है 52 रुपए का, 52 रुपए का, लेकिन ये होलसेल में मिलेगा, होलसेल में पीस का एक पीस नहीं मिलेगा। एक पीस कितने पीस मिलेंगे ये? कम से कम 6 पीस, 6 पीस है, कम से कम 6 पीस ले लोगे फिर भी ले सकते हो भैया। आपको स्टेबलाइजर तैयार करना है, अपनी शॉप शुरू करना है, तो भैया के यहाँ आप आओ, सारा माल देंगे भैया आप, सब स्टेबलाइजर वगैरह, रोटरी वगैरह सब कुछ देंगे, पूरा होलसेल रेट में। और कंप्लीट इसका सर्किट मतलब कुछ भी आप, जैसे कोई भाई अपनी शॉप शुरू करना चाहता है, अपनी स्टेबलाइजर का काम शुरू करना चाहता है कहीं पे, तो किस रेट तक की मतलब उसकी शॉप शुरू हो जाएगी? लगभग कम से नहीं कम अगर वो करेगा भी तो लगभग 50,000 रुपए, 50,000 रुपए में काम स्टार्ट हो जाएगा भाई। 50,000 रुपए में काम स्टार्ट करवाएंगे भैया आपको, ठीक है। 50,000 रुपए में अपना बिजनेस शुरू करिए और अपने आराम से ठाट से बैठ कर कमाओ भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। और भैया के यहाँ ये सर्किट भी मिल जाएंगे, देखो इन्वर्टर वगैरह के, ये किस किस रेट के सर्किट मिल जाते हैं? प्लेट होती है, ये इन्वर्टर प्लेट आएगी आपकी 480 रुपए की, ये ओनली 480 रुपए की प्लेट है। अच्छा, इसकी थोड़ी बहुत गारंटी भी होती है? बिल्कुल होती है, 1 साल गारंटी, 1 साल की गारंटी होती है। ये कौन सी कंपनी होती है भैया? ये लोकल मेड होती है, अगर अच्छा। आपको फिर जैसे कंपनी वगैरह जैसे लगाती है फिर हाँ, मिल जाएगी, वो ही मिल जाएगी, ये है वो, ये मिलेगी कंपनी, ये कंपनी की मिलेगी। ये किस रेट की होगी? ये आ जाती है आपकी 750 रुपये की, ये ओनली 750 रुपये की आ जाती है ये। अच्छा, जैसे सुकम वगैरह की होती है जो काफी कंपनी की तरह है। अच्छा अच्छा, इसमें ये है, ये जो है कोई भी आदमी रिपेयर कर सकता है अपने हाथ से? ये जल्दी से रिपेयर नहीं होती? नहीं, हो जाती है रिपेयर ये भी। अच्छा, लेकिन इसमें प्रोग्राम आईसी रहती है तो इसे चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी सब होती है। अब बाकी इसमें थोड़ा ये है, थोड़ा और अच्छे में होती है, ये 750 की क्वालिटी है। ये किसी भी इन्वर्टर में लग सकती है? किसी में भी लगा सकते हो? 750 रुपये की प्लेट ले सकते हो, 450 की भी ले सकते हो, इन्वर्टर तैयार कर सकते हो अपने हाथ से भी, ठीक है। तो भैया सारा सामान खुला भी दे देंगे आपको लेना है तो भैया का कहने का मतलब है कि अपनी शॉप अगर शुरू करना चाहते हो आप तो खुला सामान भी मिल जाएगा, एक एक पीस भी ले सकते हो अपने हाथ से। अगर आप मिस्त्री हो तो यहाँ से सामान लेके बना सकते हो आप, ठीक है। और सारी केबलें भी मिल जाएंगी, ये देखो लीड, जो लीड वगैरह होती हैं, ये किस किस रेट की लीड है? ये भी आपके 16 रुपये पीस से शुरू हो जाती है, सस्ती भी होती है लेकिन वो सस्ते में लगते नहीं है। 16 रुपये पीस से मिल जाएंगे ये, इसमें आपको मिल जाएंगे 6 पीस है, 6 पीस मिल जाएंगे, 10 पीस। अच्छा, 10 पीस, 10 पीस से कम नहीं, 10 पीस का। ये पैकेट कितने का है 10 पीस का? जैसे ये वाला तो बहुत अच्छी क्वालिटी में है, हाँ? तो ये 240 रुपये का, 240 रुपये का पैकेट है, बाकी 160 रुपये का भी मिल जाता है, 160 रुपये का भी मिल जाता है। ये है 200 मिल तो जाता है आपको 90 रुपये का भी पैकेट, लेकिन वो लोहे का। अच्छा, ये होगा बस इन्वर्टर होगा भाई, बस में लगता है ये। ये किस रेट का होता है? ये कॉपर के अंदर होगा हमारे पास 2250, 2250 रुपये कॉपर के अंदर होगा, मतलब बस में सारी लाइट दे देगा, सब लाइटें। अच्छा, सब जल जाएंगे, जैसे किसी को डीसी नहीं लगाना है तो एसी लगाना, लाइट है सब बस में के अंदर, तो इसके लिए होता है ये, बस में यही लगते हैं, बस में यही लगते हैं। 2250 रुपये का है, ठीक है। और भैया के यहाँ देखो इधर भी सारा सामान मिल जाएगा, ये होंगे 909 है, 909 होते हैं ये, जो स्टेबलाइजर वगैरह में लगते हैं, ठीक है। ये सर्किट वगैरह पर लगता है ना?
ये स्टेबलाइजर के अंदर लगते हैं, हाँ सर्किट पे, हाँ स्टेबलाइजर वगैरह के अंदर लगते हैं ये, कट के लिए होते हैं 909। ये किस रेट के होते हैं? ये 909 4 पे से स्टार्ट होता है, 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है वो, अच्छा। 1600 ये आ जाता है, ये होता है छोटा, ये 65 जैसे 5 किलो वाट में ये वाला लगता है, ये 5 किलो वाट में ये लगता है, बाकी छोटे स्टेबलाइजर में ये लग जाता है, ठीक है। और बाकी किसी को फ्रिज वगैरह पे स्टेबलाइजर लगाना होता है, वो कितने का मिलता है? वो 1250 रुपए का है, वो कॉपर में, कॉपर में ये होता है भाई रोटरी, ये भी ले सकते हो, देखो कितनी बढ़िया कंपनी की है ये भी। ये किस रेट की है? ये कम से कम शुरू हो जाती है 15 एम्पीयर की है ये, ओनली 70 रुपए से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो भैया के यहाँ सारा सामान मैंने बताया कि होलसेल रेट में मिल जाएगा, तो यहाँ पर आओ और ले सकते हो आप। और क्या आइटम मिल जाएंगे अपने यहाँ इसके? जैसे अभी एसी का तो स्टेबलाइजर बताया था, ये फ्रिज का स्टेबलाइजर है। अच्छा ये है फ्रिज का, ये देखो भाई ये मिल जाएगा आपको फ्रिज का स्टेबलाइजर, ये देख सकते हैं आप, निकाल कर दिखा देते हैं आपको, ये देखो भाई फ्रिज का स्टेबलाइजर है। ये अपने हाथ का बना हुआ है भैया? ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ये तो कॉपर में होगा? सब कॉपर में, ये कॉपर में होगा, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। फ्रिज का स्टेबलाइजर है ये, फ्रिज पे लगाने के लिए ओनली। ये किस रुपए, कितने रेट का है? ये 1200। ये 1250 रुपए का स्टेबलाइजर मिल जाएगा फ्रिज का, ठीक है, फ्रिज पे लगा सकते हो इसे। तो भैया के यहाँ सारे स्टेबलाइजर अवेलेबल हैं, किसी भी चीज़ पे स्टेबलाइजर, डीजे वगैरह पे लगाना है उस पर भी लग जाएगा, अपने घर की मेन लाइन पे लगाना है उस पर भी लग जाएगा, सारे स्टेबलाइजर अवेलेबल है, सब मिल जाएंगे। क्वालिटी बहुत होती है, ये मीटर है, मीटर है, आप तरह के मीटर है, हाँ। अब ये छोटी बैटरी के लिए, जैसे आप छोटी बैटरी के लिए चार्ज करना चाहते हैं, हाँ हाँ, तो इसके लिए भी ये चार्जर है, ठीक है। ये वाली बैटरी अगर चार्ज करना चाहते हो इसके लिए चार्जर है, और ये वाली बैटरी भी अवेलेबल करवा दोगे? ये सब मिल जाए, सब मिल जाती है अपने पास है, तो सब भैया के यहाँ मिल जाती हैं। और ये इन्वर्टर, ये वाले इन्वर्टर की बात करें तो, हाँ ये कंपनी का इन्वर्टर, ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 3450। 3450 रुपये का। ये कितने वाट का हो जाएगा? ये 700 वाट में, 700 वाट में, 700 वाट में ये 3450 रुपये का आ जाएगा। और ये होते हैं कनेक्टर, हाँ जो स्टेबलाइजर वगैरह में लगते हैं, ये होते हैं कनेक्टर भाई, स्टेबलाइजर के पीछे लगते हैं ये। ये कितने पीस, कितने रुपए पीस से आ जाता है? ये डिब्बा ही दोगे या पीस भी दे दोगे? पूरा डिब्बा मिलेगा? ऐसा है कि अगर डिब्बा खुला होता है तो देते हैं, बाकी देते नहीं। बाकी एक पीस अगर हम बात करें तो एक पीस कितने का पड़ जाता है ये डिब्बे में? ओनली 15 रुपए का एक पीस पड़ जाता है। ये कनेक्टर होता है पीछे लगता है, ठीक है। 3 फेस के स्टेबलाइजर पे भी लग जाएगा, ये सिंगल फेस के भी लग जाएगा, दोनों पे काम करेगा, ठीक है। तो ये भी ले सकते हो, ओनली 15 रुपए का एक पीस पड़ जाएगा। और एक डिब्बे में कितने पीस होते हैं इसमें? 36 पीस होते हैं डिब्बे में, ये भी ले सकते हो। तो सारा सामान स्टेबलाइजर का मिल जाएगा भैया के यहाँ। और ये वाला कौन सा स्टेबलाइजर है? ये भी वो फ्रिज का है ना? हाँ ये फ्रिज वगैरह का, फ्रिज वगैरह के स्टेबलाइजर है सारे। और जो चार्जर वो छोटे वाले होते हैं वो रखा है, वो कितने का है? ये भी आएगा चार्जर, ये चार्जर है, ये चार्जर है। ये तो दिखाया था वो इन्वर्टर वाला है, ये नहीं, अच्छा वो ऑटोमेटिक है। ये वाला चार्जर बैटरी चार्जर है। ये किस रेट का है? ये भी आपको 390 रुपए। इन्वर्टर वाली बैटरी बड़ी वाली चार्ज कर देगा? बड़े वाली बैटरी चार्ज, छोटी वाली मारुति वाली करेगा? मारुति वाली करेगा। कितने का है ये? 390। 390 रुपए का ओनली मिल रहा है आपको, 390 रुपए का, ठीक है। मारुति वाली बैटरी चार्ज कर देगा, ओनली 390 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। और वो वाला चार्जर जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बैटरी वाला होता है वो सेम यही, हाँ ये वाला, ये दिखा दिया हमने, पहले दिखाया आपको। ये कितने का बताया था आपने? ये 750 का, 750 रुपए का बताया था, ठीक है। तो ये सारे चार्जर वगैरह और इन्वर्टर की किट वगैरह सब कुछ मिल जाता है भैया के यहाँ। भैया का चेहरा आप अच्छे से देख सकते हो, और ये भैया का बोर्ड है, सामने दिखाओ, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है भैया की। यहाँ पे आप आओ और ले सकते हो। स्ट्रीट नंबर है 7A SR 33, दीवान हॉल के सामने, ओल्ड राजपत राय मार्केट है, दिल्ली 6, ठीक है। ANU इलेक्ट्रॉनिक है। भैया का नंबर ऊपर है, वो दिखाओ, नंबर भी दिखाओ, ये नंबर भी देख सकते हो, ठीक है। आप कहते हो कि नंबर नहीं मिलता है भाई, नंबर अच्छे से देखो, और नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी निकाल सकते हो। सो गाइज ये थी भाई स्टेबलाइजर की होलसेल मैन्युफैक्चरिंग की शॉप। यहां पर आप आओ और ले सकते हो होलसेल रेट में स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, सारा कुछ सामान मिल जाएगा भैया के यहाँ। किसी को अपनी शॉप शुरू करना है उसके लिए भी सामान मिल जाएगा, और वैसे अपने घर के लिए चाहिए उसके लिए भी मिल जाएगा। तो सारा सामान भैया के यहाँ मिल जाता है, आप यहाँ पर आओ और ले सकते हो। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।